सिंड्रेला परी की मां की मृत्यु। ये कहानी परीलोक की है, जहां सभी परियां हंसी खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रही थी और लोगों की मदद कर रही थी। वहां पर सिंड्रेला परी भी अपनी मां रानी परी के साथ रहती थी। सिंड्रेला परी अभी बहुत छोटी थी, इसलिए रानी परी चाहती थी कि सिंड्रेला परी सभी चीजों में कुशल रहे। रानी परी का एक भी बेटा नहीं था, इसलिए वो जानती थी कि उनके परीलोक से जाने के बाद परीलोक को संभालने के लिए सिंड्रेला परी को ही ये जिम्मेदारी दी जाएगी। रानी परी सिंड्रेला परी को परीलोक में ही एक स्कूल में पढ़ने के लिए भेजती है। सिंड्रेला एक बहुत ही शरारती और मासूम बच्ची थी। वो लाड प्यार में पली बढ़ी थी, इसलिए वो बहुत भोली भी थी। वो अपनी जिम्मेदारियां नहीं जानती थी, वो पूरा दिन बस खेल में मगन रहती थी। एक दिन रानी परी सिंड्रेला परी से कहती है, सिंड्रेला अब तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हें अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए। तुम्हें यूँ इस तरह अपनी जिम्मेदारियों से पीछा नहीं छुड़ाना चाहिए। तुम जानती हो ना कि मैं कुछ टाइम बाद बूढ़ी हो जाऊंगी और बहुत ही जल्द मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मेरे बाद तुम्हें इस परीलोक को संभालना है। ओहो माँ, आप भी किस तरह की बातें करती रहती हो। मैंने आपसे कितनी बार कहा है, आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। आपको समझ नहीं आता क्या, आप जो कहेंगे मैं वो करने को तैयार हूँ, परंतु मेरे सामने इस तरह की बातें ना करिए। अच्छा अच्छा ठीक है मेरी बेटी, तुम्हें इतना भावुक होने की जरूरत नहीं है। मैं बस तुम्हें ये कहना चाहती हूँ कि तुम एक परी हो और तुम्हें अपनी जिम्मेदारियाँ समझनी चाहिए। हम परियों के क्या क्या कर्तव्य होते हैं तुम्हें मालूम होना चाहिए। ठीक है माँ, अब से मैं आपकी बात मानूंगी, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी, परंतु आपको मेरी कसम है आप आगे से ऐसा कभी नहीं बोलेंगी। ठीक है बाबा, परंतु हमने एक फैसला किया है कि हम तुम्हारी आगे की शिक्षा के लिए हम तुम्हें परीलोक से दूर एक गुरु के पास भेज रहे हैं, जहाँ पर तुम्हारी आगे की शिक्षा पूरी होगी। मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ रहकर अपने आगे की शिक्षा नहीं ले पाओगी, इसलिए हमें तुम्हारे लिए ये कदम उठाना पड़ा। हमने सारा इंतजाम कर दिया है, कल सुबह ही तुम्हें परीलोक से जाना होगा। माँ, क्या ये जरूरी है कि मैं यहाँ से दूर जाकर ही पढ़ाई करूँ? क्या मैं आपके साथ नहीं रह सकती हूँ? देखो बेटा, कुछ अच्छा करने और अच्छा बनने के लिए हमें अपने परिवार से दूर जाना ही पड़ता है। सिर्फ कुछ दिनों की ही तो बात है, फिर तुम अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद वापस यहाँ आ जाओगी। अभी जाओ खाना खाकर अपने कमरे में आराम करो, सुबह मिलते हैं। सिंड्रेला परी अपनी माँ की बातों को नहीं टालती, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी माँ हमेशा भावुक वाली बातें करती है। इसलिए वो चुपचाप खाना खा लेती है और अपने कमरे में जाकर बैठकर सोचने लगती है। क्या सच में मुझे यहाँ से दूर जाना होगा? मुझे माँ की परियों की बहुत याद आएगी, परंतु माँ मैं आपकी बातों को सच में पूरा करूंगी और मैं कुछ बनकर दिखाऊंगी। सिंड्रेला ये सोचते सोचते सो जाती है और फिर सुबह उठकर तैयार हो जाती है। उसके बाद सभी परियां सिंड्रेला परी को अलविदा कहने के लिए आती हैं। उसके बाद सिंड्रेला परी सभी परियों को बाय करके अपनी परीक्षा के लिए गुरु के पास चली जाती है। सिंड्रेला वहाँ पहुँच कर एक झोपड़ी में रहने लगती है। वहाँ पर सिंड्रेला की जरूरत के सामान बहुत ही कम थे, वहाँ सिंड्रेला को रहना बहुत मुश्किल हो पा रहा था। जब भी सिंड्रेला को पानी पीना होता था तो वो कुएं से बाल्टी भरकर पानी निकालती थी और फिर उसको पीती थी। ऐसे ही बहुत ही मुश्किल से अपना जीवन सिंड्रेला व्यतीत कर रही थी, परंतु धीरे धीरे करके उसको इन सब चीजों की आदत हो गई। इसी तरह कुछ वर्ष बीत जाते हैं, सिंड्रेला बड़ी हो जाती है और अब उन्हें इन सारी चीजों की आदत हो जाती है। सिंड्रेला परी को सारी बातें याद थी कि वो अपनी परीक्षा खत्म करने के बाद अपनी माँ की सभी जिम्मेदारियों को निभाएगी। एक दिन सिंड्रेला परी अपने गुरु से कहती है, गुरुजी आपने मुझे बहुत सारा ज्ञान दिया है, उससे मैंने कई सारी शक्तियाँ भी हासिल की है, परंतु आपने मुझे ये कभी नहीं बताया कि मेरी ये सारी परीक्षा कब खत्म होगी। क्या इस परीक्षा की कोई समय अवधि नहीं है क्या? मैं जानता हूँ सिंड्रेला कि तुम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना चाहती हो, परंतु यह सब तुम समय आने पर ही कर पाओगी। इस समय हम तुम्हारी शक्ति का उपयोग नहीं कर सकते। सिंड्रेला परी अपने गुरु की बातों को मान लेती है
और वो अपनी शक्तियों का अध्ययन करना शुरू कर देती है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, सिंड्रेला को अपनी शक्तियों पर और अधिक विश्वास होने लगा और अब वो अपनी जादुई शक्तियों को और कुशल देखना चाहती थी। एक दिन गुरु ने ये घोषणा की कि कुछ ही दिनों में परी की परीक्षा होगी। वो परीक्षा में पास हो जाती है तो वो अपने परिलोक वापस जा सकती है। सिंड्रेला अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहती थी, इसलिए वो खाली समय में और अभ्यास करने लगती है। पूरा दिन सिंड्रेला अपनी शक्तियों का अभ्यास करती रहती है और फिर परीक्षा का दिन आ जाता है। जब सिंड्रेला गुरु के सामने आती है तभी वो देखती है कि एक शेर गुरु के ऊपर हमला कर रहा है। सिंड्रेला परी को उस समय कुछ समझ नहीं आता और वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है और शेर के ऊपर वार करती है। जैसे ही सिंड्रेला परी का वार शेर को लगता है, शेर दूर जाकर गिर जाता है और वो घायल हो जाता है। सिंड्रेला के गुरुजी बच जाते हैं, लेकिन शेर को घायल देख सिंड्रेला को शेर पर बहुत दया आती है और वो अपनी जादुई शक्तियों से उसे ठीक कर देती है। सिंड्रेला का ये व्यवहार देखकर गुरुजी प्रसन्न हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि सिंड्रेले की परीक्षा खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन अभी भी कुछ शक्तियाँ बाकी थी जिन्हें सिंड्रेला के पास होना बहुत जरूरी था। गुरुजी जल्दी जल्दी सिंड्रेला को सभी शक्तियों का ज्ञान दे रहे थे कि तभी परीलोक से खबर आती है कि परीलोक पर काली परी ने कब्जा कर लिया है और सभी परियों को पिंजरे में कैद कर लिया है, जिसमें रानी परी भी कैद हो गई है। गुरुजी ये खबर सिंड्रेला परी को देते हैं। सिंड्रेला परी, हमारे पास एक खबर आई है कि परीलोक पर काली परी ने कब्जा कर लिया है और सभी परियों को अपने बस में कर लिया है। मैं चाहता हूँ कि तुम अब अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करो और परीलोक को फिर से मुक्त कराओ। मैं तुम्हें यहाँ से जाने की अनुमति देता हूँ और ध्यान रहे, मैं तुम्हारे ऊपर अपनी नजरें बनाया हुआ हूँ। तुम्हें जब भी मेरी आवश्यकता होगी तुम मुझे याद कर लेना, मैं तुम्हारे सामने आ जाऊँगा। क्या कहा गुरुजी आपने? काली परी ने परीलोक पर कब्जा कर लिया है, लेकिन काली परी तो बहुत शक्तिशाली है। देखिए, परी माँ की शक्तियाँ भी उसके आगे टिक नहीं पाई। तो गुरुजी, आपको क्या लगता है, मैं काली परी को हरा पाऊंगी? सिंड्रेला परी, शायद तुम भूल गई हो, रानी परी के पास भी इतनी शक्ति नहीं है जितने तुम्हारे पास है। तुम अपने शिक्षा में पूर्ण हो गई हो, अब तुम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके परीलोक को मुक्त करा सकती हो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। अपने गुरु की आज्ञा लेकर सिंड्रेला परी परीलोक पहुंच जाती है और वो देखती है कि काली परी ने सभी परियों को पिंजरे में कैद कर रखा है, जिसमें रानी परी भी शामिल है। रानी परी को ये अनुभव हो जाता है कि सिंड्रेला परी यहाँ पहले आ गई है, परंतु रानी परी अभी भी अपनी बेटी की जिंदगी के लिए बहुत भावुक थी। वो नहीं चाहती थी कि सिंड्रेला काली परी का मुकाबला करे, इसलिए रानी परी सिंड्रेला परी को अपने पास नहीं बुलाती है। सिंड्रेला परी वहाँ आती है और वो काली परी को युद्ध के लिए ललकारती है। काली परी, कहाँ हो तुम? मैं कहती हूँ मेरे सामने आओ, अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है तो मेरा सामना करो। सिंड्रेला परी की बात सुनकर काली परी बाहर आ जाती है और वो देखती है कि सिंड्रेला परी उसे युद्ध के लिए पुकार रही है। काली परी और सिंड्रेला परी में जमकर मुकाबला होता है, लेकिन काली परी भी बहुत शक्तिशाली थी। काली परी छल करके सिंड्रेला पर वार करती है और सिंड्रेला थोड़ी घायल हो जाती है और सिंड्रेला कुछ नहीं कर पाती। मुझे तो लगा कि तुम अपनी परीक्षा पूरी कर कर आई हो, लेकिन तुम तो अभी भी मेरे आगे नहीं टिक पा रही हो। मैं तुम्हें बता दूं कि मेरी शक्तियों के आगे तुम्हारी शक्तियाँ कुछ भी नहीं है। मैं चाहूँ तो एक ही झटके में पूरा परीलोक तबाह कर सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा करूँगी नहीं, क्योंकि मुझे पूरे परीलोक पर राज करना है और तुम सभी परियाँ मेरी गुलाम बनकर रहोगी। नहीं, मेरे होते हुए ये नहीं हो सकता, मैं तुम्हें इस परीलोक पर कभी राज नहीं करने दूंगी। सिंड्रेला परी काली परी के ऊपर वार करती है और वो अपनी जादुई शक्तियों से सभी परियों को उनके पिंजरे से आजाद कर देती है। सभी परियां पिंजरे से बाहर आ जाती है और वो काली परी और सिंड्रेला परी का युद्ध देखती है। सिंड्रेला परी अपने वार से काली परी को नीचे गिरा देती है और उससे उसकी जादुई शक्तियों वाली छड़ी छीन लेती है। काली परी वहीं गिरकर बेहोश हो जाती है। अब सिंड्रेला परी सभी परियों से गले मिलने लगती है। तभी अचानक से काली परी को होश आ जाता है
और वो सिंड्रेला परी के ऊपर चाकू से वार करने जा रही होती है। तभी रानी परी ये सब देख लेती है और वो सिंड्रेला परी के सामने आ जाती है। काली परी का वो चाकू रानी परी को लग जाता है और रानी परी की वही मृत्यु हो जाती है। ये देख सिंड्रेला परी को बहुत गुस्सा आता है। तभी सिंड्रेला परी अपने जादुई शक्तियों से काली परी को एक मूर्ति बना देती है और काली परी पत्थर की मूर्ति में बदल जाती है। सिंड्रेला परी अपनी माँ रानी परी को संभालती है। रानी परी अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। रानी परी कहती है, बेटी आज मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, तुमने बराबर काली परी का मुकाबला किया। तुम अपनी परीक्षा में सफल हो गई। मैं देख पा रही हूँ कि तुम आगे परिलोक में राज कर सकती हो। मैं तो अभी यहाँ से जा रही हूँ, मेरा समय हो गया है। परंतु बेटी तुम परिलोक का ध्यान रखना और सभी लोगों की मदद करना। कभी सच्चाई का साथ मत छोड़ना। नहीं माँ, आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती हो। माँ मुझे आपकी बहुत जरूरत है। माँ माँ होती है ना, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है माँ। रानी परी की मृत्यु हो चुकी थी और फिर सभी परियां रानी परी की मृत्यु का शोक मनाने लगती है। उसके बाद सिंड्रेला परी अपनी माँ का विधि पूर्वक अंतिम संस्कार कर देती है और फिर अपनी माँ की राजगद्दी संभालती है। सिंड्रेला सभी परियों की मदद करती है और परिलोक का पूरा ध्यान रखती है। सिंड्रेला हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चंदरपुर गांव में प्रिया नाम की एक अनाथ लड़की रहती थी। कुछ साल पहले ही सड़क दुर्घटना में प्रिया के माता पिता की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद प्रिया ने दूसरों के सामने हाथ फैलाने से अच्छा मेहनत करके कमाने का फैसला किया। लेकिन प्रिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आखिर मैं क्या करूं? किससे काम मांगू? कौन मुझे काम देगा? तभी प्रिया के कानों में एक आवाज आती है, चूड़ी ले लो चूड़ी, रंग बिरंगी हरी बसंती चूड़ी ले लो चूड़ी। प्रिया भागकर घर से बाहर आती है। दादा मुझे भी आपके साथ चूड़ी बेचनी है, प्लीज दादा मुझे भी कुछ चूड़ियाँ दे दो। क्या हुआ बिटिया, भूख लगी है क्या? खाना मंगवा दूँ? नहीं दादा, मुझे खाना नहीं काम चाहिए, मैं खुद से कमा कर खाना चाहती हूँ दादा। आखिर कब तक दूसरों के सामने हाथ फैलाती रहूँगी? बेटा यह तो तुमने बहुत ही बढ़िया फैसला लिया है, लेकिन बिटिया क्या तुम चूड़ी बेच लोगी? हाँ दादा। अच्छा ठीक है, यह लो यह 10 चूड़ियाँ है, तुम अभी इन्हें बेचो, एक चूड़ी बेचने पर तुम्हें 5 रुपए मिलेंगे। ठीक है दादा। प्रिया उन चूड़ियों को लेकर अपनी चुलबुली अंदाज में बेचने को निकल जाती है। चूड़ी ले लो प्यारी प्यारी हरी नीली चूड़ी ले लो चूड़ी। बेटा कितने की है चूड़ियाँ? सिर्फ 50 रुपए आंटी। ठीक है ये ब्लू वाला दे दो। आंटी ये रेड और ऑरेंज वाला देखो कितना प्यारा है, ये आपके हाथों में बहुत ही प्यारा लगेगा। ठीक है दे दो और ये लो पैसे। इस तरह प्रिया की 10 के 10 चूड़ियाँ चुटकियों में बिक जाती है। अगले दिन, ये लो दादा चूड़ियों के पैसे। अरे वाह तूने तो कमाल कर दिया, एक ही दिन में सारी चूड़ी बेच डाली, शाबाश। आज मैं तुम्हें पूरे 100 चूड़ियाँ दे रहा हूँ और यह रहे तेरे मेहनत के पैसे, ऐसे ही मन लगा कर काम करो। थैंक यू दादा। पैसे और चूड़ियों को पाकर प्रिया बहुत खुश होती है। तभी सड़क के किनारे एक छोटी लड़की बहुत रो रही थी। क्या हुआ बेटा, आप क्यों रो रही हो? दीदी मुझे बहुत भूख लगी है दीदी, प्लीज मुझे कुछ खिला दो, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है दीदी। अच्छा बाबा पहले रोना बंद करो और बताओ क्या पसंद है तुम्हें? दीदी कुछ भी खिला दो जिससे कि बस मेरा पेट भर जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैंने 4 दिनों से कुछ नहीं खाया। प्रिया को उस मासूम लड़की पर दया आ जाती है और वो उस लड़की को अपने साथ अपने घर ले आती है और उसे भर पेट खाना खिलाती है। अब बताओ क्या नाम है तुम्हारा और अब तक तुम किसके पास रह रही थी? मेरा नाम इमली है,
मैं एक बड़ी सी कोठी वाली आंटी के पास रहती थी। वो आंटी मुझसे घर का सारा काम करवाती थी, मुझे खाना भी नहीं देती थी और बहुत मारती थी। मैंने वहाँ से निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन आंटी मुझे बंद करके रखती थी। वो तो कल मैं किसी तरह वहाँ से भाग निकली। दीदी, आप मुझे दोबारा वहाँ मत भेजना, वो आंटी बहुत बुरी है। घबराओ नहीं इमली, अब से मैं तुम्हारे साथ हूँ और अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें उस कोठी वाली आंटी का घर तो पता है ना, और उसे अच्छे से पहचानती हो ना? हाँ दीदी, सब पता है, लेकिन यदि मुझे अब वहाँ नहीं जाना, प्लीज अब मुझे वहाँ मत भेजना। दीदी, आप मुझे कहाँ ले जा रही हो? पुलिस स्टेशन, उस कोठी वाली आंटी को सजा दिलानी है, ताकि उसने जो तुम्हारे साथ किया वो किसी और के साथ ना हो। प्रिया इमली को लेकर पुलिस स्टेशन जाकर उस आंटी के खिलाफ FIR दर्ज करवा देती है और पुलिस कुछ ही देर में उस कोठी वाली महिला को गिरफ्तार कर लेती है। तूने मेरे खिलाफ FIR लिखवाकर अच्छा नहीं किया। तू नहीं जानती मैं कौन हूँ, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैडम, पहले आप तो छोड़ जाओ, फिर बेशक मत छोड़ना मुझे। एक और बात, आइंदा किसी भी बच्चे पर अत्याचार करने से पहले इस जेल की चार दीवारी को अच्छे से याद कर लेना। चलो इमली। घर आकर प्रिया इमली से कहती है, इमली मैं चूड़ी बेचने जा रही हूँ, तुम स्कूल से सीधा घर आना और खाना खाकर आराम करना, मैं जल्दी आ जाऊंगी। ठीक है दीदी, जल्दी आना। प्रिया चूड़ी लेकर बेचने निकल जाती है। रास्ता थोड़ा सुनसान था कि तभी अचानक वही महिला प्रिया के सामने आती है, जिसको प्रिया ने हवालात में बंद करवाया था। तुम तो हवालात में थी ना? हवालात में रहे मेरी ज्योति, मैंने तुझसे कहा था ना, तूने मुझसे पंगा लेकर अच्छा नहीं किया। बहनों, पकड़ लो इसे। छोड़ो मुझे, तुम लोग ये अच्छा नहीं कर रही हो, मैं कहती हूँ छोड़ो मुझे। प्रिया अकेली थी और वो महिला अपने साथियों के साथ थी। उन सब ने मिलकर प्रिया को चूड़ियों के साथ एक कुएं में गिरा दिया। बेचारी, भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। इतना बोलकर वो सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं। इधर प्रिया को कुएं की कल्याणी परी बचा लेती है। कौन है आप? मैं इस कुएं में रहने वाली कल्याणी परी हूँ। तुम बताओ, आखिर वह कौन लोग थे और वो तुम्हें कुएं में क्यों डाल गए? प्रिया ने कल्याणी परी को अपनी सारी बात बताई। अच्छा, यह तो बहुत ही दुष्ट औरत है, इसको तो सबक सिखाना पड़ेगा। ऐसे तो यह और भी लोगों को परेशान करेगी। अक्कर बक्कर जंग की प्रिया को सताने वाला बन जाए मंकी। परी के इतना बोलते ही वो दुष्ट महिला हमेशा के लिए एक बंदर में बदल जाती है। अब से यह दुष्ट औरत किसी को परेशान नहीं करेगी, अब तुम अपने घर जाओ। तभी प्रिया जोर जोर से रोने लगती है। अब क्या हुआ, अब क्यों रो रही हो? परी जी, मैं तो चूड़ी बेचने जा रही थी, मैंने तो अभी एक भी चूड़ी नहीं बेची और मेरी सारी चूड़ी इस कुएं में गिरकर टूट गई। अब मैं चूड़ी वाले दादा को क्या जवाब दूंगी, वो मुझे काम भी नहीं देंगे। अब मैं क्या करूंगी परी जी? घबराओ नहीं प्रिया, अब से तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें इतना सोना दूंगी कि तुम सारी जिंदगी आराम से बैठकर खा सकती हो। नहीं परी जी, मुझे सोना या रुपया नहीं चाहिए, मुझे रोजगार चाहिए, मैं मेहनत करके आगे बढ़ना चाहती हूँ। शाबाश प्रिया, काश सबकी सोच तुम्हारी जैसी हो। अगर इंसान मन में काम करने की ठान ले, फिर उसे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं हरा सकती। प्रिया, इस कुएं में चूड़ियों के गिरने से यह कुआं जादुई चूड़ियों के कुएं में बदल गया है। इस कुएं से तुम जितना चाहो उतनी चूड़ी ले जा सकती हो। इन चूड़ियों को ले जाकर अपनी चूड़ियों की एक दुकान खोलो और उसे बेचो। प्रिया कल्याणी परी का धन्यवाद कर वहाँ से बहुत सारी चूड़ियाँ लेकर आती है और अपने घर के पास ही चूड़ियों की बहुत बड़ी दुकान खोलती है। प्रिया अपने अच्छे व्यवहार से दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करती है। अब प्रिया के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, उसके पास सब कुछ था और वो इमली को बहुत ही अच्छे स्कूल में पढ़ा रही थी और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रही थी।
तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।